नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक उड़ान। टॉप 10 स्पोर्ट्स न्यूज। केकेआर को मिली दूसरी जीत। कॉमनवेल्थ गेम्स में भिड़ सकते हैं भारत और पाकिस्तान। केकेआर को आईपीएल 2021 में 4 हार के बाद मिली पहली जीत। केकेआर ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराया, जबकि पंजाब किंग्स ने पहले पारी खेलते हुए 9 विकेट पर 123 रन बनाए। वहीं पर केकेआर ने अपने लक्ष्य को 16.4 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। राहुल त्रिपाठी ने 41 रन बनाए। केकेआर की 6 मैचों में दूसरी जीत है। वहीं पर पंजाब ने भी 6 मैचों में 2 मैच जीत लिए हैं। वहीं पर केकेआर पॉइंट टेबल में 5वें स्थान और पंजाब 6वें स्थान पर हैं। भारत में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के सुरक्षित बायो बबल में भी खिलाड़ियों को चिंतित कर दिया है। भारत के अनुभवी रविचंद्रन अश्विन और उनके अलावा कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने लीग को बीच में ही छोड़ दिया है, लेकिन बीसीसीआई ने साफ जारी कर दिया है कि खेल जारी रहेगा। भारत में कोविड-19 के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने सोशल मीडिया से एक संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है, इस मुश्किल समय में मेरी दुआ भारत के लोगों के साथ है और इस घड़ी में हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और हमें सभी को दुआ करनी चाहिए। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाइंग टीमों की घोषणा आईसीसी ने कर दी है। गेम्स में महिला टी20 के मुकाबले खेले जाने हैं। आईसीसी से मिली जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की जगह पक्की हो चुकी है और ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे ही खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।